हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बच्चों। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 73। और ये वर्कशीट बच्चों 6 to 8 के बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम की वर्कशीट है, जो कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके लिए 28 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अध्यापक का नाम लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। समय बहुत कीमती है, सभी बच्चे जानते हैं समय बहुत कीमती है, एक बार चला गया तो वापस बिल्कुल नहीं आएगा। हमारे अध्यापक हमें हर काम समय के अनुसार करने का सबक देते हैं। सभी के टीचर्स बोलते हैं कि समय पर काम कीजिए। काम समय के अनुरूप करने में घड़ी हमारी मदद करती है। तो आजकल जो है घड़ी वो हम सबके पास होती है, फिर चाहे मोबाइल के रूप में हो या हमारे जो है कलाई घड़ी हो। आओ हम समय से संबंधित और जानकारी प्राप्त करें। तो सभी बच्चे जानते हैं समय देखना, कि समय कैसे देखा जाता है, घड़ी का प्रयोग कैसे किया जाता है। अब देखिए, एक घंटा, एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट, 60 मिनट। और एक मिनट में सेकंड कितनी होंगी, 60 सेकंड होती हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, कितने घंटे होते हैं एक दिन में, 24 घंटे। 12 घंटे के अंतर के लिए एएम और पीएम का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो एएम और पीएम का हम प्रयोग करते हैं। आपने भी जब समय लिखते हो तो पीछे देखा होगा एएम लिखा है या पीएम लिखा है। जैसे रात 12:01 बजे से दिन के 11:59 बजे तक समय के साथ हम क्या लिखते हैं बच्चों, एएम लिखते हैं। रात 12 बजे के बाद जो है एएम शुरू हो जाता है, और दोपहर के 12 बजने से बिल्कुल आप कह सकते हो 1 सेकंड पहले 11:59 तक क्या रहता है, एएम रहता है। और दिन के 12 बजने के बाद रात के 11:59 बजे तक समय के साथ क्या लगाया जाता है, पीएम लगाया जाता है। जैसे सुबह 6 बजे, तो सुबह के 6 बजे है ना बच्चों, तो क्या लगाएंगे, 6 एएम लगाएंगे, ठीक है। और शाम के 6 बजे हैं तो क्या लगाएंगे, 6 पीएम लगाएंगे। यानी दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के जो है 11:59 तक क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे पीएम। और रात के 12 बजे के बाद जो है क्या स्टार्ट हो जाता है, एएम स्टार्ट हो जाता है, ओके, दोपहर तक। उसके बाद देखिए, आओ करें, नेक्स्ट क्या गिवन है बच्चों, समय गिवन है। अब आपको बताना है, देखिए एएम और पीएम का प्रयोग करना है। सुबह 4 बजे जैसे एग्जांपल दिया गया है, 4 एएम लिखा, तो सुबह के 9 बजे क्या लिखेंगे, बिल्कुल ठीक, 9 एएम। और शाम के 7 बजे क्या लिखेंगे, 7 पीएम लिखेंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद जो है क्या लगाते हैं, दोपहर के 12 बजे के बाद पीएम लगाते हैं, तो 7 पीएम लिखेंगे। नीचे कुछ काम लिखे हैं, आप ये काम किस समय करते हो नीचे दी गई घड़ी में दर्शाइए। तो आपको ये घड़ियां जो हैं खाली दिखाई गई हैं, इनमें इनकी सुइयां नहीं बनाई गई हैं। तो सुबह जागने का समय मान लीजिए आप सुबह जागते हो 7 एएम, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर टाइम भरना है, ठीक है ना, ऐसे करके। और ऐसे जो है आप यहाँ पर सुइयां बनाएंगे, ठीक। तो मिनट की सुई बच्चों वो बड़ी बनाएंगे, और घंटे की जो सुई होती है वो छोटी बनाएंगे। आप देखिए, खेलने का समय है तो आप अपने अनुसार सुई जो है यहाँ पर बनाइए, कितने बजे आप खेलते हो। घर में पढ़ाई करने का समय क्या है, आप ऐसे ही सुइयाँ बनाइए, एक मैंने आपको बता दिया, बाकी आप खुद करोगे। परिवार के साथ वक्त बिताने का समय बनाइए यहाँ पर, कि किस समय आप परिवार के साथ बैठकर बातें करते हो, खेलते हो, खाना खाते हो, जो भी है वो आप यहाँ पर लिखिए। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिखाया गया है, आपको 4 घड़ियां दिखाई गई हैं, ए बी सी और डी। तो इनमें अंकित समय से संबंधित निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2:30 किस घड़ी में बजे हैं, जल्दी से बताइए बेटा, 2:30 किस घड़ी में बजे हैं, जी हाँ, इस घड़ी में। चलिए पहले इनको देख लेते हैं किस घड़ी में कौन सा टाइम है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर पहली घड़ी में अगर आप देखेंगे तो कितना टाइम हुआ है, पहली घड़ी में हुए हैं 7:45, यानी 7:45 यहाँ पर हुए हैं। दूसरी घड़ी में कितने बजे हैं बच्चों, 12 बजे हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरी घड़ी में आप बताइए, ये देखिए 9 से थोड़ा ऊपर है ना, तो 9:00 कितना टाइम हुआ है, जो मिनट वाली घड़ी है वो 3 पर है, तो कितना हुआ, 9:15, ओके, 9:15 हुए हैं। और इस वाली घड़ी में कितना हुआ है, ये देखिए 2 से आगे है और 6 पर है, तो यानी 2:00
30 मिनट कितना हुआ है बेटा, 2:30 का यहाँ पर समय हुआ है। अब चलिए अब देखते हैं इसको, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2:30 किस घड़ी में बजे हैं, जल्दी से बताइए 2:30 किस घड़ी में बजे हैं। अभी हमने सबका समय लिखा तो 2:30 किस घड़ी में बजे हैं, जी हाँ डी में बजे हैं। 2:30 का मतलब 2:30, ठीक है। 2:30 का मतलब है 2 और आधा, ठीक है। तो आधा किस में है, पूरा तो 12 पे होगा, आधा 6 पे है, तो 2 और यानी 30 मिनट, 2:30 को क्या बोलते हैं, 2:30। तो डी में इसका उत्तर डी में रहेगा। घड़ी बी में कितने बजे हैं, तो बी में कितने बजे हैं बेटा, बी में 12 बजे हैं, ठीक है। बी में कितने बजे हैं, 12। किस घड़ी में 12 बजने में 2:45 बाकी हैं, तो 2:45 किस घड़ी में बाकी हैं, इस घड़ी में, ठीक है। इसमें 9:15 हो गए हैं, तो 45 मिनट में तो 10 बज जाएंगे, 10 के बाद 1:11 और फिर 1:12, तो 2:45 के बाद इस घड़ी में कितने बज जाएंगे, 12। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, सी। 7:45 का अर्थ क्या है, तो बच्चों मैंने अभी बताया 7:45 का मतलब क्या है, 7:45। 7:45 का मतलब क्या है, 7:45। नेक्स्ट है बच्चे, आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो आप अपने समय का जो सदुपयोग है वो कैसे करते हैं, अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं बच्चों कैसे लिखेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि समय एक बार जाने के बाद वापस नहीं आता, इसलिए मैं अपने समय का सदुपयोग करता हूँ। मैं अपना समय कभी व्यर्थ नहीं करता। मैं अपने खाली समय में अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, अपने दोस्तों और भाई बहन के साथ खेलता हूँ, और जो भी मेरे शौक हैं जैसे पेंटिंग करता हूँ, और खाली समय में मैं अपने भाई बहन के साथ मिलकर व्यर्थ चीजों से कुछ नया बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आप भी जो बच्चे अपने समय का सदुपयोग करने के लिए करते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, नहीं तो आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हो। ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बेटा क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर बच्चे को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।